हेलो दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे स्टेट के अलग अलग सर्वे दिखाए गए हैं। आज का जो सर्वे है हिमाचल प्रदेश का है। अलग अलग गांवों और शहरों में जो सर्वे करने जाते हैं, ये सर्वे आपको उन्हीं के हवाले से बताया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, 4 लोकसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर हम 2014 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी यहाँ से 4 की 4 सीटें यहाँ से जीती थी। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यही आंकड़े दोहरा पाएगी या फिर कोई अलग पार्टी बाजी मारेगी? चलिए दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, चलिए हम जान लेते हैं। इस बार बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी 2014 के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जहाँ 1 भी सीट नहीं मिली थी, इस बार कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।